देखिए, कई बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान बसता है, और काकड़ी गांव में अगर शिरडी के आप आएंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। मेरे पीछे आप देखिए, ये शिरडी के एयरपोर्ट की आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर जहाज उतरते हैं, देश और दुनिया से लोग शिरडी के साईं बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। 1250 एकड़ जमीन काकड़ी गांव की इस एयरपोर्ट के लिए ली गई, और काकड़ी गांव की दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ की जो ज़मीन है उस पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ अगर आप देखें, आँख से जहाँ तक आपका, आपकी आँख की रोशनी जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक खेत में कहीं भी कोई फसल नहीं लगी है। सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ बल्कि, यहाँ बिजली की, पानी की ऐसी समस्या है कि इस पूरे इलाके में कि किसान बदहाल है। ये मौसम बाजरी का है, लेकिन इस बार अभी तक बारिश हुई नहीं है और इन्हें कोई उम्मीद नहीं। इस गांव के दो किसान, मैं यहाँ पर जब आके उतरा तो ये दो किसान मुझे मिले। मैंने पूछा इनसे, पानी का आपका इंतज़ाम क्या है? ये मुझे एक कुएं के पास ले आए। ये 70 फीट पुराना गहरा कुआं है, आप देखिए, और इस कुएं में पानी नहीं है। होता ये है, तो मैंने पूछा कि ये पाइप क्यों लगी हुई है इस कुएं में? आप देखिए, ये पाइप जो दिखाई दे रही है, ये पाइप क्यों लगी हुई है? तो इन्होंने कहा कि वो जो दूर पानी की टंकी बनने का काम हो रहा है, जो 5-6 महीने पहले बनना शुरू हुआ, वो दूर पानी की टंकी, वहाँ पर उस पानी की टंकी को बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल होता है, उसके लिए उस पानी की टंकी का ठेकेदार इस कुएं में टैंकर से ले आकर के पहले पानी डालता है, और फिर जब वहां पर मजदूर काम के लिए लगते हैं तो इस पाइप से वहां पर पानी पहुंचाया जाता है। कुएं में टैंकर से पानी डाला जाता है। यह हाल है पानी का, यह हाल है महाराष्ट्र के शिरडी के आसपास का। आप साईं बाबा का दर्शन करके चले जाते हैं, शिरडी तो बहुत ही वहाँ पर विकसित है, बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरा है, खाने का है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन, सब कुछ है, लेकिन उसके बगल के 10-5 किलोमीटर के गांव के हाल क्या है, माहौल क्या है, मैं हर तरफ हर चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो दो किसान हैं, थोड़ा इधर आ जाओ कुएं से, इनसे आपका नाम क्या है? नारायण बाबू सोनोनी। आपका? माधव दादा सोनोनी। तो जो आप हमको बता रहे थे अभी, जब हमने आपसे पूछा कि आपके गांव में, तो इस वक्त कौन सी खेती, या साल भर में आप कौन सी उपज, कौन सी फसल निकालते हैं? साल भर में जब बारिश होता है तो बाजरी निकलता है, बाजरी के बाद ज्वारी निकलता है, पानी होता है तो गेहूँ भी निकलता है, और मक्का चारा थोड़ा फार निकलता है। इस बार क्या निकला? इस बार पानी, बारिश नहीं हुआ, थोड़ा फार सोयाबीन बाजरी निकलता है बारिश की वजह से। इस बार कुछ नहीं निकला? इस बार कुछ नहीं। और पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी आता है बोर थोड़ा थोड़ा, बावड़ी में थोड़ा थोड़ा, अभी तक कुछ नहीं रह गया, अभी तो देखो कुछ नहीं। इधर से जरूर का पाट गया, चारे नहीं कुछ नहीं, ये टेकड़ के पीछे पाट गए, उधर कैनल गया है, ये काकड़ी में कुछ उसका फायदा भी नहीं मिला, चारा वो चारा होना मांगता इधर। तो फिर आप लोग कैसे, घर खर्चा कैसे चलता है आपका? ये रोजी रोटी मजूरी से चलता है। आपके पास खेत कितना है? अपने पास आता एयरपोर्ट में गया कुछ, खाली 1-1.5 एकड़ रह गए। एयरपोर्ट में कितना गया? एयरपोर्ट में हमारा गया 3 एकड़ गए। पैसे मिले उसके? पैसे मिले बहुत कम मिले। कितने मिले? वो 3 लाख, 9 लाख, 12 लाख ऐसे मिले, 3 टप्पे से। 3 बार में? निम्बागैत करोड़ हो, निम्बागैत बागैत ऐसे 3 टप्पे के, 3 टप्पे बनाए हुए। जराइती 3.5 लाख दिया। हाँ, बागत क्षेत्रों को कहीं को 9 दिया, कहीं को 8 दिया। अच्छा, अलग अलग रेट था। अलग रेट, 3 लाख भी दिया, 9 लाख भी दिया, 12 लाख, जिसके जैसे खेत का जिसका बागत होगा ना उनको 12 लाख दिया, जिसका निम बागत है उनको 9 लाख, जिसका कुछ नहीं करोड़ो उनको 3 लाख मिला, जिसकी जमीन जैसी थी, जैसी उनकी जैसी जमीन वैसे मिला रेट। तो एक बात बताइए, आप भी ज्यादा मजदूरी करते? सब मजदूरी करते ही ऐसे। तो ये एयरपोर्ट में आप लोगों को कोई फायदा? आप लोग एयरपोर्ट में कुछ फायदा नहीं, एयरपोर्ट गांव के लोग तो लगे, गांव के लोग लगे काम पे, पर ठेकेदार पद्धति नहीं लगे ना, उनको 7,000 रुपये देता है महीने को, 7,000 में क्या होता है, 12,000 के अंदर से उसका परमिट मिलता है, उसमें कुछ नहीं होता।
तो इतने सालों में इतनी सरकारें बनी, इतने ये बने, इस इलाके में आपको लगता नहीं है सरकार वो लक्ष्य देता नहीं? वो लोग खाए करता है, वो इलेक्शन पूर्ति जी आता है, इलेक्शन में खत्म खवाया का इतने लक्ष्य नहीं थे उनका। ओ ईके पाटिल साहब ने वो पानी निका कैनल बनाया, अभी पानी किधर सोड़ दोन तीन महीने झाले, तीन महीने का पानी आता, तीन महीने पहला पानी छोड़ दिया था, एक बार खाली अब एकदम आप लोग सारे नहीं कुछ नहीं कुछ काकड़ी का कुछ फायदा नहीं हुआ कैनल का, उधर पानी छोड़ दिया उधर निकल गया, इधर कुछ फायदा नहीं किया। अच्छा ये इलेक्शन अभी हो रहा है तो अभी किसका आप लोग के दिमाग में बन रहा है कुछ, ये जो अभी मतदार मतदार अभी कौन आएगा तो मालूम नहीं, पर जो काम करने वाला अच्छा आदमी वो मैं सबके गांव को। आपको पता है कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे? अभी तो नहीं पता कौन कौन चुनाव लड़ रहे, पता नहीं अभी। सब सरीके हो सब सरीके जो वो फक्त खाली इलेक्शन पूर्ति है, मतदार के आगे आगे करता है इलेक्शन हो गए। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, शिवसेना जानते हो? शिवसेना जानते हैं। वो किसकी है? ठाकरे की। कि शिंदे साहब की? अभी शिंदे साहब को मिला है ना वो बांध, वो शिंदे साहब को मिला है, पहले ठाकरे साहब की थी। तो गांव में लोग क्या मानते हैं कि कौन असली शिवसेना है? असली शिवसेना गाँव में क्या ठाकरेज मानते है, ठाकरेज मानते है बाला साहब ठाकरे की ना, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। शिंदे को मिल गया वो चिन्ना धनुष। शिंदे वाले के मानती है सही है उद्धव के, उद्धव ठाकरे के? तो क्या इसका पता नहीं हमको नहीं। और राष्ट्रवादी के बारे में जानते हो? राष्ट्रवादी के बारे में जानता है शरद पवार, उनका भाई चिन्ना घड़ाले, और वो भी तो पार्टी टूट गया वो साहब उधर गए, कौन किधर घुसता है कौन किधर नहीं चलता जी आप क्या मानते हो ये किसकी वजह से हुआ, ये पार्टी क्यों टूटा? सब पार्टी मेरे कहने में वो फडणवीस साहब ने वो सब किया। फडणवीस साहब पहले 5 वर्ष मुख्यमंत्री था ना, उसने सब घोटाला कर दिया। ठाकरे के बारे में दो पार्टी किया, ठाकरे में भी शरद पवार के भी दो पार्टी कर दिया। तो ये ठीक किया कि नहीं? काय के ठीक किया, कैसा ठीक बना है?